दोस्तों, क्या आपको फिल्म कभी अलविदा ना कहना में शाहरुख खान और प्रीति जिंटा का प्यारा सा बेटा याद है? अगर नहीं तो माई फ्रेंड गणेशा का क्यूट आशु तो याद ही होगा ना। फिल्म कोई भी हो मगर यह बच्चा लोगों को हमेशा पसंद आता था। मगर दोस्तों, आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि यह कोई लड़का नहीं बल्कि एक लड़की थी। एक ऐसी क्यूट सी लड़की जो बचपन में लड़कों के किरदार निभाती थी। उससे भी चौंकाने वाली बात यह है कि वो लड़की आज एक डिजिटल सुपरस्टार बन चुकी है। दोस्तों, ये लड़की और कोई नहीं बल्कि एहसास चन्ना है। वही एहसास चन्ना जो कभी हॉस्टल डेज में आकांक्षा का किरदार निभाती है तो कभी कोटा फैक्ट्री में शिवांगी और गर्ल्स हॉस्टल की रिचा बनकर फैंस का दिल जीत लेती है। टीवीएफ और गर्लियप्पा के वायरल वीडियोस ने एहसास को डिजिटल सुपरस्टार बना दिया है। दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे, एहसास चन्ना ने अपने अभिनय की शुरुआत 4 साल की उम्र से की थी। उनकी पहली फिल्म वास्तुशास्त्र थी जिसमें उन्होंने रोहन नाम के बच्चे का किरदार निभाया था और अपनी एक्टिंग से अच्छे अच्छों को डरा दिया था। और जब एहसास ने माई फ्रेंड गणेशा फिल्म में काम किया तो उसके बाद लोग उन्हें और ज्यादा जानने लगे। इस फिल्म में उनकी परफॉर्मेंस को काफी सराहा गया था। वहीं 2006 में आई फिल्म कभी अलविदा ना कहना में शाहरुख खान जैसे सुपरस्टार के साथ वो नजर आईं और इस फिल्म में उन्होंने अर्जुन नाम के बच्चे का रोल निभाया था। हालांकि जब एहसास 7 साल की हुई तो उनकी मां ने उन्हें लड़कों का किरदार निभाने से मना कर दिया। ऐसे में कसम से वो पहला शो था जिसमें एहसास लड़की के रोल में नजर आईं। इसके बाद उन्होंने देवों के देव महादेव में भगवान शिव की बेटी अशोक सुंदरी की भूमिका निभाई। इसके अलावा उन्होंने मधुबाला, क्राइम पेट्रोल, गंगा, कोर्टर जैसे अन्य शोज में भी काम किया। एहसास ने 16 साल की उम्र में टीवीएफ कल्याप्पा के द पेड़ सॉन्ग से अपना डिजिटल डेब्यू किया था। उसके बाद से ही वो लगातार अलग अलग वेब शोज में नजर आ चुकी है। हाल ही में एहसास चन्ना का कोटा फैक्ट्री का सीजन 2 नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हुआ है। दोस्तों, आज एहसास चन्ना को देखकर लोग यकीन नहीं कर पाते कि यह वही लड़की है जिसे वह इतनी कम उम्र से देखते आ रहे हैं। उनकी पॉपुलैरिटी का आलम यह है कि आज इंस्टा पर उनके 2.8 मिलियन फॉलोवर्स हैं। तो दोस्तों, आप भी हमें कमेंट कर जरूर बताएं कि आपने एहसास चन्ना की बचपन की कौन सी फिल्म देखी है। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।